हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ अब मैथ्स का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के हिसाब से काफी स्कोरिंग है एंड काफी अच्छा भी। एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज मैट्रिसेस। ओके, सो आज की वीडियो में आप क्या क्या देखने वाले हैं मैं आपको एक बार बता देता हूँ। द कंटेंट जो होगा वो होगा सबसे फर्स्ट वन इज द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिसेस। ओके, दैट इज व्हाट इज अ मैट्रिक्स। क्लियर। द नेक्स्ट विल बी द एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है आपके लिए क्योंकि मैं यहाँ पर आपके लिए कुछ डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशंस भी लेके आया हूँ जो कि आपके कोर्स में तो नहीं है बट यू शुड नो अबाउट द पर्टिकुलर टाइप। ओके, कि वो कहाँ पर यूज होते हैं। एंड द नेक्स्ट वन, तो नेक्स्ट टॉपिक पर अगर हम आते हैं तो वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो यहाँ पर हम सारे टाइप्स देखेंगे दैट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मैट्रिसेस वन बाय वन, जितने आज के वीडियो में पॉसिबल हो पाते हैं उतने। ओके, आफ्टर द टाइप्स ऑफ द मैट्रिसेस आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ द मैट्रिक्स अलजेब्रा। एंड मैट्रिक्स अलजेब्रा मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन वी कैन यूज स्केलर मल्टीप्लीकेशन एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन बोथ। क्लियर। सो लेट्स स्टार्ट विथ टूडेज फर्स्ट टॉपिक which is definition of matrix. So as you can see, matrix is a rectangular representation. That is, we can represent the elements in rectangular format. जब हम elements को rectangular format में represent करते हैं तो उसे हम कहते हैं matrix. Okay, वो element कौन से होंगे? वो numbers हो सकते हैं, वो characters हो सकते हैं, okay, और any type of the expressions भी हो सकते हैं। तो जैसे रेक्टेंगल में लेंथ और साइड्स होती है, इन द सेम वे मैट्रिक्स में क्या होगे? रोज एंड कॉलम। बिकॉज जब आप रेक्टेंगल के अलॉन्ग उसको अरेंज करने जा रहे हैं, ओके, तो रेक्टेंगल के अलॉन्ग जब आप उसको अरेंज करने जा रहे हैं तो क्या होगा? वो रोज एंड कॉलम के फॉर्म में आएगा। जो हॉरिजॉन्टल सेक्शन होगा उसे हम कहेंगे रो एंड द वर्टिकल्स आर नोन एज कॉलम। तो जितने भी नंबर ऑफ रोज होगी मैट्रिक्स में, जैसे m नंबर ऑफ रोज एंड n नंबर ऑफ कॉलम्स, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो हम किस वे में लिखते हैं? वी राइट इट एज m बाय n। ओके, तो अब हम देखते हैं कुछ आगे दैट हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो सपोज इफ वी आर हैविंग दिस सिक्स नंबर्स, तो अगर हमारे पास में ये सिक्स नंबर्स हैं तो इन सिक्स नंबर्स को हम किस वे में अरेंज कर सकते हैं? तो ये सिक्स नंबर जो है वो किस पर्टिकुलर वे में अरेंज हो सकते हैं? कि सिक्स नंबर, सिक्स का फैक्टर क्या होते हैं? वन, टू, थ्री एंड सिक्स। ओके, तो दिस वन, टू, थ्री एंड सिक्स से पॉसिबल ऑर्डर्स क्या आएंगे? बोले वन इंटू सिक्स, टू इंटू थ्री, थ्री इंटू टू एंड द नेक्स्ट वन इज सिक्स इंटू वन। ओके, तो इतने ऑर्डर के मैट्रिक्स बन सकते हैं यहाँ पर, इतने ऑर्डर के मैट्रिसेस बन सकते हैं यहाँ पर यूजिंग दिस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन। तो हम किसी एक को डिस्कस करते हैं, तो लेट मैं यहाँ पर नेक्स्ट जो यूज करने जा रहा हूँ वो है दिस वन, दैट इज टू बाई थ्री मैट्रिक्स। ओके, तो जैसे मैंने आपको कहा कि अगर हम टू बाई थ्री का मैट्रिक्स बना रहे हैं, ओके, तो हम ये जो टू बाई थ्री का मैट्रिक्स हमने बनाया है, ये टू बाई थ्री का मैट्रिक्स जो है इसमें टोटल सिक्स एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहले जिसे हॉरिजॉन्टल कहा था, तो ये हॉरिजॉन्टल जो है ये क्या है? रो। ओके, तो ये हॉरिजॉन्टल जो है वो क्या है? इट इज रो। तो ये फर्स्ट रो, दैट इज वी कैन टर्म इट एज रो वन। अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड वन इज द दिस, दैट इज रो टू। तो ये तो हॉरिजॉन्टल की बात है क्योंकि ये टू बाई थ्री का मैट्रिक्स है, तो यहां पर टू रोज हुई। बट अब बात करते हैं कॉलम्स की। तो कॉलम्स जैसे कि वर्टिकल वाला जो है ये जिसमें 12 एंड 11, तो वर्टिकल दिस इज नोन एज कॉलम। ओके, तो जो वर्टिकल पार्ट आ रहा है ये क्या है? कॉलम। एंड कॉलम को नेम देने के लिए भी हम सी का यूज करेंगे, तो वो हो जाएगा सी वन। इसी वे में अगर हम नेक्स्ट की बात करें, दिस वन दैट इज सी टू, नेक्स्ट वन, तो ये क्या हो जाएगा? सी। सो इन दिस वे वी कैन रिप्रेजेंट रोज नंबर और कॉलम नंबर ऑफ मैट्रिक्स। ओके, बट अब बात करते हैं नेक्स्ट इसी की कि हम एलिमेंट्स को किस वे में रिप्रेजेंट करेंगे। तो एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ए आई जे,
अगर कोई मैट्रिक्स जो है वो हम कैपिटल ए से, आप मैट्रिक्स को किसी भी लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके, आप मैट्रिक्स को किसी भी लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो कैपिटल लेटर से होता है जनरल। तो अगर हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं तो कैपिटल ए जो है वो रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर दिया आपने, एंड ए आई जे, दैट इज आई इज द रो नंबर एंड जे इज द कॉलम नंबर, ओके, इससे रिप्रेजेंट होगा। तो यही एग्जाम्पल हम दे रहे हैं दैट जो अभी हमने 2x3 का मैट्रिक्स किया था, तो इस 2x3 के मैट्रिक्स में हम यहाँ पर किस वे में यूज कर सकते हो, किस पर्टिकुलर वैल्यू दे सकते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट उस पे आऊँ तो फर्स्ट एलिमेंट जो कि 12 है, तो 12 जो है वो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, इसलिए इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होगा A11। तो A11 इज इक्वल्स टू क्या है, 12, बिकॉज इट इज फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। नेक्स्ट पर आए तो नेक्स्ट क्या हो गया, 34, तो 34 जो है वो फर्स्ट रो बट सेकंड कॉलम, दैट्स व्हाई वी कैन राइट A12 इज इक्वल्स टू 34, ओके। एंड फर्दर नेक्स्ट विच इज A13, बिकॉज फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सो वी कैन राइट A13 इक्वल्स टू 23। नेक्स्ट इज द 11 मीन्स ये कहां पर आ रहा है, तो ये पर्टिकुलर पार्ट जो है वो सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम का है, तो हम लिख सकते हैं कि A21 इज इक्वल्स टू 11, ओके। फर्दर नेक्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम, दैट इज A22, एंड उसके बोल नेक्स्ट गए तो सेकंड रो थर्ड कॉलम मीन्स A23, ओके। तो इस वे में हम रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को। तो अभी हमने देख लिया व्हाट इज अ मैट्रिक्स, एंड सेकंड हमने देखा कि हम मैट्रिक्स के एलिमेंट को किस वे में रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए अब नेक्स्ट पर स्विच करते हैं, और जो नेक्स्ट है वो है एप्लीकेशन ऑफ मैट्राइसेस। एप्लीकेशन की बात अगर हम करें तो सबसे पहली एप्लीकेशन, तो फर्स्ट एप्लीकेशन वो है जो कि आप यूज करेंगे, वो है सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकालने के लिए हम किसका यूज करेंगे, हम यूज करेंगे मैट्राइसेस का। सो ये फर्स्ट एप्लीकेशन है, और इस एप्लीकेशन का यूज आप सभी करने वाले हैं, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट पर। इसके अलावा जो एप्लीकेशन है जिनका हम यूज नहीं कर रहे हैं, वो काफी स्टूडेंट्स का मुझसे बार बार पूछना होता है कि सर और क्या एप्लीकेशन है मैट्राइसेस के, तो यहाँ पर आते हैं हम नेक्स्ट उस पर। तो नेक्स्ट जो है वो क्यों यूज होता है, इन जनरल आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल डिस्प्ले जितने भी हैं, ओके, तो जो डिस्प्ले डिवाइस होते हैं उन सभी पर डिस्प्ले होता है, इट्स बिकॉज ऑफ द मैट्रिक्स, ओके। तो ये जो डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले जिसको हम कहते हैं, वो आपके वॉचेस है, रिस्ट वॉचेस है, आपके क्लॉक्स हैं, और हम ये कह सकते हैं जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट डिपार्चर्स के टाइम पर लगे होते हैं, दैट इज जो बस स्टॉप पर आप देखते हैं, एंड आप जो रेलवे स्टेशन जाते हैं तो वहां देखते हैं, ओके, किसी पर्टिकुलर ट्रेन के आने का टाइम और बस के आने का टाइम और कितना लेट और कितना टाइम पे आने वाली है, वो वाला पार्ट जो है वो आपको जो मिलता है वो डिस्प्ले पर ही अपडेट होता है। तो मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ, तो लेट अस टेक द एग्जाम्पल। सपोज ये जो है ये है आपके सामने मैट्रिक्स, तो ये मैट्रिक्स लाइट्स का है, ओके, ये सब एलईडीज लगे जो कि ऑफ फॉर्म में है अभी, क्लियर। अब इस पर्टिकुलर ऑफ फॉर्म की एलईडीज जो है इनको जब हम यहां पर यूज करते हैं, तो जैसे ही हम ऑन होने का जैसे ही हम इन्हें सिग्नल देंगे, तो वो सिग्नल जो जाएंगे, जो प्रोग्रामिंग होगी वो मैट्रिक्स पर बेस्ड है, बिकॉज ये जितने भी आप देख रहे हैं इन सबकी अपनी एक पोजिशन है, तो उस प्रोग्रामिंग पर बेस्ड, जैसे ही हम इसे ऑन करेंगे तो क्या होगी, कुछ लाइट्स चल जाएगी। ये जो लाइट्स यहां पर आपको दिख रही है उससे कैरेक्टर बनते हैं, एंड आई होप कि आप इस कैरेक्टर को भी रीड कर सकते हैं। वैसे अभी पिक्सल्स काफी दूर दूर है, सो ये इतना इजीली आपको विजिबल ना, ओके, बट मैं आपको बता देता हूं कि क्या लिखा है, ओके। सो नाउ यू कैन सी लाइक, तो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा वीडियो को। नाउ नेक्स्ट बताते हैं कि उसके अलावा और क्या यूज है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज, वन मोर इज इन एडोबे फोटोशॉप।
इट इज यूज इन एडोबे फोटोशॉप एंड जो एडोबे फोटोशॉप में जो यूज हो रहा है ये किस बेसिस पर है दैट कई बार आपको इमेजेस रेंडर करना है दैट इज मे बी ब्लर करवाना है और हो सकता है कि आप इमेज को क्रॉप करना चाहते हैं उसकी एज को क्रॉप करना चाहते हैं तो ऐसे पर्टिकुलर टाइम पर जो यूज होता है वो क्या है मैट्रिक्स बिकॉज पूरा डॉट्स पर इंच का ही आपके जो वीडियोज वगैरह के रिजोल्यूशन होते हैं वो भी सब किस पर बेस्ड होंगे मैट्रिक्स पर बेस्ड होते हैं ओके तो लेट्स कम टू द नेक्स्ट तो नेक्स्ट एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो फिजिक्स में भी काफी प्लेसेस पर यूज होता है ओके तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दैट टू स्टडी इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑप्टिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स वी यूज मैट्रिसेस ओके फर्दर अगर और भी ज्यादा बात करें यू कैन सी इन कंप्यूटर ग्राफिक्स तो इन कंप्यूटर ग्राफिक्स हाउ वी यूज सपोज इफ देयर इज अ 3D image okay and if you 3D image you want to project it on a 2D screen to 3D image ko 2D screen par show karna matlab ki yahan par hum jo use karenge wo linear transformation ka use hoga matrix okay to to project 3D images on 2D screen we use matrices let's see next one okay तो जैसे कि आप नेक्स्ट वन देखें तो यू कैन से दैट इन मेडिकल इमेजिंग क्या होता है मेडिकल इमेजिंग जो है वो यूज होता है फॉर MIR और फॉर सिटी स्कैन फॉर एक्सरे ये इन सभी में जो स्कैन होने के बाद में इमेज बनती है तो वो इमेज बनती किस बेसिस पर है वो मैट्रिक्स के बेसिस पर ओके तो यहां पर यूज होता है एंड द लास्ट वन वी कैन सी दैट इन रोबोटिक्स जो रोबोट्स के मूवमेंट है देन कहां जाना चाहिए कितने प्लेस और एवरीथिंग तो स्टूडेंट्स इतने सारे मैंने आपको यहां पर बताए हैं कि क्या क्या हमारे क्या क्या मैट्रिसेस के एप्लीकेशन हो सकते हैं और ये तो बहुत कम है अगर मैं यहां पर और बताने जाऊंगा तो इतने सारे बता सकता हूं कि ये पूरा वीडियो जो है वो सिर्फ एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस पर बेस्ड होगा ओके बट इससे अलग करने की जरूरत नहीं है अब मैं आपसे बात करता हूं आगे की देन हमने बात की थी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पर जाते हैं तो फर्स्ट टाइप देखते हैं फर्स्ट टाइप जो है वो है सिंगलटन मैट्रिक्स सिंगलटन मैट्रिक्स का मतलब ये है कि जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट ओके एक एलिमेंट हो ओनली वन एलिमेंट मीन्स वन बाय वन दैट इज सिक्स ओके तो यहां पर सिर्फ सिक्स हो सकता है एनी अदर एलिमेंट ऑल्सो बट वन बाय वन एक ही एलिमेंट जो है वो पॉसिबल है ओके नेक्स्ट टाइप इज नल मैट्रिक्स जैसा कि नेम से क्लियर है नल मैट्रिक्स मींस जीरो मैट्रिक्स आल्सो तो नल मैट्रिक्स में जो है वो क्या हो सकते हैं ऑल एलिमेंट शुड बी इक्वल्स टू जीरो ओनली ये किसी भी ऑर्डर का पॉसिबल है बट इसमें जो एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए ओके देन नेक्स्ट इज रो मैट्रिक्स तो नेम से ही क्लियर है रो मैट्रिक्स मतलब जिसमें रो हो तो it should have order of 1 by n one row baki kitne bhi columns ho sakte hain but row kya hai 1 next column matrix jaise ki naam se clear column matlab rows kitni bhi possible hai but column kya hona chahiye 1 hona chahiye so we can say ki ek aisa matrix jo kis order ka ho n by 1 ka okay to use hum kehte hain column मैट्रिक्स ओके देन नेक्स्ट वन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नेम बड़ा वो है कि भाई मैट्रिक्स तो रेक्टेंगल ही होता है बट अगर आपको स्पेशली कहीं पर बोलते जाते ना रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तो एक बात पक्की है कि आपको एग्जांपल भी स्क्वायर का नहीं सोचना है मींस रेक्टेंगल लेंथ एंड ब्रेड स्क्वायर बोथ आर इक्वल स्क्वायर मैट्रिक्स में एम और एन इक्वल तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या हो गया जहां पर M or N definitely different है तो M by N या N by M possible okay then next square matrix the main role play करता है main role a leading matrix of your course square matrix okay leading इसलिए कहा मैंने क्योंकि ये क्या करेगा इसी पर based determinant भी आएंगे
बिकॉज स्क्वायर मैट्रिक्स की वैल्यू निकालना पॉसिबल है, और किसी की भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। दैट्स व्हाई इसे मैंने कहा कि ये क्या है, एक हीरो है। नाउ लेट्स सी, बट स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स किस पर्टिकुलर पार्ट, ये 3/3, 3/3 मीन्स क्या हुआ, रो भी 3 कॉलम भी 3, दैट इट मीन्स स्क्वायर। यहां से अब जितने भी टॉपिक, जितने भी टाइप्स हम पत्र में बताने वाला हूं, वो सब स्क्वायर मैट्रिक्स में। तो नेक्स्ट वन इज डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो डायगोनल एलिमेंट है उनपे तो नंबर्स हैं बट बाकी सब जीरो है। अब बोले सर डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, तो डायगोनल एलिमेंट वो है जिसमें रो नंबर इज इक्वल्स टू कॉलम नंबर। मतलब अगर पोजिशन से कहूं तो A11, A22, A33, ये सभी क्या है, ये सभी डायगोनल एलिमेंट्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में भी डायगोनल एलिमेंट्स पॉसिबल है। ओके, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में भी डायगोनल एलिमेंट्स पॉसिबल है। किस वे में पॉसिबल है, बोले A11, A22, A33 जहां भी तक भी आने हैं वो तो डायगोनल एलिमेंट है, बट डायगोनल मैट्रिक्स किससे बनेगा, वो स्क्वायर मैट्रिक्स से ही पॉसिबल है। अब हम नेक्स्ट पर्टिकुलर पार्ट पे जाए तो स्केलर मैट्रिक्स। तो अगर एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट जो है वो क्या है, सेम है, इक्वल है, ओके, तो उसे कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। जिसमें यहां पर डायगोनल पे 3, 3, 3 आ रहा है, तो ये क्या हुआ है, स्केलर मैट्रिक्स हुआ। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्योंकि आइडेंटिटी मेन है, आइडेंटिटी सभी प्लेस पर मेन होती, तो यहां भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट जो है वो 1, 1, 1, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो सेकंड ऑर्डर होगा तो 2/2 होगा, लेकिन डायगोनल एलिमेंट 1, 1। जैसे यहां पर 3 ऑर्डर का है तो 3/3 का है बट 1, 1, 1। 4/4 होगा तो भी, तो I2, I3, I4 ऐसे आप यहां पर देख सकते हैं। तो ये क्या हुआ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है वो जैसे कि स्क्वायर का डायगोनल 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो स्क्वायर का डायगोनल जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो वो 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। तो एक ट्रायंगल हुआ अपर ट्रायंगुलर और एक हुआ लोअर ट्रायंगुलर। ओके, तो 2 पार्ट हुए, तो अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। तो फर्स्ट वन हम यहां पर जैसे आपको देखा रहा हूं मैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या हुआ, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में अपर वाले जितने भी एलिमेंट है, दैट इज डायगोनल एलिमेंट्स के अपर साइड के एलिमेंट जो है वो क्या है, 0। ओके, एंड अगर हम अपर ट्रायंगुलर कहें तो जो लोअर पार्ट है डायगोनल के नीचे वाले जितने भी एलिमेंट्स है वो क्या होंगे, 0। तो ये होता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एंड द नेक्स्ट वन इज ट्रांसपोज मैट्रिक्स, जिसकी प्रॉपर्टीज भी हम रीड करेंगे बट इन नेक्स्ट वीडियोस। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स जो है उसको क्या कहते हैं हम, कि इसके थ्रू हम वी कैन इंटरचेंज द रोज इन द कॉलम। कि जब हम कॉलम और रोज को इंटरचेंज करते हैं, जो एक रो है वो कॉलम बन गई और जो कॉलम है वो रो। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि यहां पर रो है 1, 2, 3, जो नेक्स्ट मैट्रिक्स में 1, 2, 3 कॉलम। ओके, फिर नेक्स्ट 5, 6, 7, तो 5, 6, 7 इज कॉलम। तो ये क्या है, यहां जब हम इस पर्टिकुलर पार्ट को देख रहे हैं तो ए का ट्रांसपोज है एंड एक्सप्रेस बाय ए ट्रांसपोज और कॉम्प्लीमेंट का साइन जो लगाते हैं हम वो भी यहां पर यूज कर सकते हैं। तो ये थे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो अब नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट जो है वो है इक्विटी ऑफ टू मैट्रिसेस। तो इक्विटी दैट हम कब बोल सकते हैं कि टू मैट्रिसेस आर इक्वल, तो टू मैट्रिसेस के कंपेयर के लिए जो मेन पार्ट होता है वो यहां पर टू रूल्स, जो हमें दो पार्ट बातें ध्यान रखनी पड़ती है। फर्स्ट वन तो वो ये कि दोनों के ऑर्डर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ओके, दोनों के ऑर्डर इक्वल होना चाहिए इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। एंड सेकंड हमें जो देखना है वो ये है कि हर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। दैट इज अगर A11 जो है वो उधर B11 के इक्वल, A12 जो है वो B12 के और A21 B21 के, इन दिस वे दैट इज ईच एंड एवरी एलिमेंट शुड बी इक्वल। फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने जो दिया है, तो अगर हम इन दो मैट्रिक्स को देखें तो दिस टू आर नॉट इक्वल, ये दो इक्वल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां पर ये जो दो एलिमेंट्स आप देख रहे हैं
थ्री एंड फोर, एक साइड थ्री, बाकी तीन एलिमेंट इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बाकी इक्वल है, बट एक जो है वो इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो ये इक्वलिटी थी। अब आते हैं एडिशन पर। ओके, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन बोथ आर द सेम थिंग। एग्जैक्टली मैं ये कह सकता हूँ कि रियल नंबर्स यूज करते हैं तो रियल नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन जैसे होता है वैसे ये भी। ओके, बट पहले हम एडिशन देख लेते हैं कि एडिशन क्या होता है। ओके, तो एग्जैक्टली यहां हम कह सकते हैं कि वी कैन एड, यू कैन रीड दैट टू मैट्रिसेस आर कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड ओनली इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, यानी दोनों के ऑर्डर सेम होंगे, m by n का ही होगा तो ही उसे हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो इफ a इज ऑफ m by n, b इज आल्सो ऑफ m by n, देन द प्रोडक्ट, देन द एडिशन a प्लस b जो है वो भी क्या होगा, m by n ऑर्डर का ही होगा, वो तभी पॉसिबल है। तो पहले आप चेक कर लीजिए कि ऑर्डर सेम है, ओके, एंड देन फिर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड करते हैं। तो लेट अस टेक वन एग्जांपल हियर, 2 minus 3 at 12, 13, 11, तो ये एक 2x3 का मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट मैट्रिक्स जो है वो भी 2x3 होना चाहिए तभी हम इसमें ऐड कर पाएंगे। तो नेक्स्ट मैट्रिक्स इज ऑल्सो 2x3, मैंने लिया ही इस उस पे। अब देखिए आप कि हम यहां पर ऐड कैसे करते हैं। ओके, यू कैन सी दैट इट इज 2 + 12 -3 + 14 इन दिस वे। तो आप ये देख सकते हैं कि यहां पर हर एक एलिमेंट जो है वो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वही क्या हुए हैं, ऐड हुए हैं। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है हमें, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करने के बाद तो सिंपल सी बात बची, अब ऑल ऑफ द इंटीजर, तो यू नो हाउ कैन यू ऐड, तो हमें वही एक मिलेगा एंड दिस इज द रिजल्ट। ओके, नेक्स्ट वन अगर हम बात करें, फिर से सब्ट्रैक्शन करना है, सिर्फ और सिर्फ बीच में किसका साइन आ गया है, माइनस का, और अगर हमारे पास में माइनस का साइन आ गया है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखना है ए के, और उसे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी के साथ हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। ओके, तो यू कैन सी द प्रोसेस क्लियर कि हाउ वी आर गेटिंग द रिजल्ट। बस ध्यान रखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से करना है। So you can see the result now. Okay, तो ये तो subtraction है, no need to explain even. Okay, let us see the properties of the addition. Addition की properties की अगर हम बात करें तो in general basic जैसे हम integer, real numbers, complex numbers इनकी properties पढ़ते आए हैं, तो यहाँ भी भाई first one is the commutative. Commutative property मतलब we can change the order for the particular operation. तो यहाँ पर commutative means a plus b is equals to b plus a, that is we can change the order, हम किसी भी matrix को किसी भी तरह रख सकते हैं। Okay, next one is associative means first you can add a plus b and then add it in c, or you can first add b plus c and then add it in c. Okay, so whatever you want to do you can do in this manner. Then next is identity. Identity here, additive identity. Additive identity means ऐसा एक एलिमेंट जिसको हम जब मैट्रिक्स में एड करने जाए तो वी गेट द मैट्रिक्स इटसेल्फ। सो ए प्लस जीरो, तो जीरो ए कौन है, जीरो इज ए नल मैट्रिक्स, हियर ओ इज नल मैट्रिक्स, दैट्स व्हाई इट इज नल मैट्रिक्स इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। बट व्हाट टाइप ऑफ आइडेंटिटी इट इज, एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, जो हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखा था वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में अभी देखेंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, दैट इज एक ऐसा मैट्रिक्स जिसको ऐड करने पे हमें नल मैट्रिक्स मिले उसे हम क्या कहेंगे, एडिटिव इनवर्स। तो ए का एडिटिव इनवर्स सिंपल सी बात है माइनस ए होगा, बिकॉज कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जब हम ऐड करने जाएंगे तो वी गेट द जीरो। ओके, तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन हुई। नाउ लेट्स कम टू द मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो इन मल्टीप्लीकेशन द फर्स्ट वन इज द स्केलर मल्टीप्लीकेशन। स्केलर इज एनी नंबर, इट मे बी एनी नंबर। ओके, तो यहां पर हम कुछ इस तरह से वो कर सकते हैं कि जब हम स्केलर का मल्टीप्लीकेशन करते हैं मैट्रिक्स में, सपोज मैं आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई इट बाय के, तो
हर एक एलिमेंट, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स गेट मल्टीप्लाई दैट पर्टिकुलर नंबर। ओके, तो इफ ए इज एनी मैट्रिक्स एंड के इज एनी स्केलर, देन यू कैन सी दैट व्हाट वी कैन डू, के इंटू ए विल बी इक्वल टू के इंटू ए आई। तो के जैसे ही अंदर जाएगा तो हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। एग्जाम्पल आपके सामने, यहां पर हम 3 से मल्टीप्लाई करना चाह रहे, तो यू कैन सी 3 का मल्टीप्लीकेशन हर एक एलिमेंट के साथ में हुआ है। तो ये होता है स्केलर मल्टीप्लीकेशन। नाउ अब बात करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। तो हाउ कैन वी मल्टीप्लीकेट, हाउ कैन वी प्रोडक्ट, हाउ कैन वी गेट द प्रोडक्ट ऑफ द टू मैट्रिक्स। ओके, टू मैट्रिक्स, तो प्रोसेस इज दैट कि यहां पर मल्टीप्लीकेशन में एक बात ध्यान रखना है, अगर फर्स्ट मैट्रिक्स का m by n ऑर्डर है एंड सेकंड मैट्रिक्स b का p by q ऑर्डर है, तो एक m by n और एक है p by q। तो हमें क्या करना होगा कि चेक करना है कि फर्स्ट का कॉलम नंबर दैट इज n और रो नंबर सेकंड का मींस p वो इक्वल होना चाहिए। तो यहां आप देख सकते हैं अगर इस तरह का मैट्रिक्स हो तो a इंटू बी पॉसिबल है, एम इंटू क्यू होना पॉसिबल है, बट किस बेसिस पर हो सकता है, ये तब ही पॉसिबल है जबकि n जो है वो p के इक्वल है। तो n जब p के इक्वल होगा तभी क्या होगा, ये मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं। तो मल्टीप्लीकेशन करने के पहले सबसे पहले हम इसकी चेकिंग जरूर करेंगे। ओके, तो लेट्स टेक वन एग्जाम्पल ऑफ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मैट्रिसेस। तो लेट अस टेक टू मैट्रिसेस। ओके, तो फर्स्ट वन इज द 2 by 3, तो सेकंड कौन सा होना चाहिए, 3 by 2 का मैट्रिक्स। ओके, तो ये 3 by 2 का मैट्रिक्स। नाउ अब हम मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई जब हम करने जाएंगे तो किस बेसिस पर होगा, जैसे मैंने कहा फर्स्ट रो, जो है फर्स्ट मैट्रिक्स उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो प्रोडक्ट होंगे सेकंड के, सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ। ओके, तो आप देख सकते हैं यहां पर कि क्या हो रहा है, रो जो है वो आप देख सकते हैं, रो जो है वो 1 2 3। ओके, एंड कॉलम जो है वो है 5 4 3। तो 1 × 5, 2 × 4 एंड 3 × 3। ओके, तो 1 × 5, 2 × 4 एंड 3 × 3। ये जो पर्टिकुलर, ये फर्स्ट, तो ये क्या हुई, फर्स्ट एलिमेंट हुआ। फिर जब हम फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से करेंगे तो हमें मिलेगा सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट यहां के केस में नहीं है बिकॉज सेकंड में कॉलम भी कितने हैं, 2। बट इस वे में हम मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, एंड बाकी तो आपका जो नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन हो रहा है इन नंबर्स का वही है, देन वी कैन एड इट एंड वी कैन गेट द रिजल्ट। तो एग्जैक्टली जो है यहां पर हम किस पर्टिकुलर फॉर्म में ले सकते हैं, कि समझने के लिए जो पार्ट जरूरी है वो है दिस वन, जो मैंने यहां लिखा है कि हमें ए वन जे बी जे वन का प्रोडक्ट लेना है। दैट इज अभी क्या है, जे 1 2 3 चेंज हो रहा है, कॉलम चेंज हो रहा है, 1 फर्स्ट तो ए वन जे, तो ए वन वन तो बी वन वन प्लस ए वन टू, ए वन टू तो बी टू वन, ए वन थ्री बी थ्री वन, फिर जब ए टू वन पे आए ए टू वन बी वन। ओके, तो इस वे में आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है एंड यू कैन गेट द प्रोडक्ट। क्लियर, तो बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन की। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन में सबसे फर्स्ट वन जो है वो है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव, तो मल्टीप्लीकेशन जो होता है मैट्रिक्स का वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, क्योंकि अगर हम एक मैट्रिक्स जो है वो 2 by 3 देते हैं एंड अनदर वन इज 3 by 1, तो 2 by 3 और 3 by 1 का पॉसिबल है बिकॉज जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के। बट इन केस इफ वी आर रिवर्सिंग द नंबर्स, दैट इज ए इंटू बी के प्लेस पर बी इंटू ए करेंगे, तो
तो 3/1 और 2/3 विच इज नॉट पॉसिबल. ओके, सो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव. द सेकंड वन इज एसोसिएटिव. तो यस इट इज. अगर हम यहां पर ये कहें कि मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट करता है तो मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव भी होगा. ओके, देन द नेक्स्ट थर्ड वन इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स फिर से मैं कहूंगा कि वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो जैसे मल्टीप्लीकेशन में वन होता है, वैसे ही यहां पर जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल्स वन होते हैं, दैट इज आई जो हमने देखा था वो होता है. तो ए इंटू आई इज इक्वल टू आई इंटू ए इक्वल टू ए, बिकॉज आइडेंटिटी हर प्लेस पर, हर ऑपरेशन में आइडेंटिटी वही है जिसका ऑपरेशन परफॉर्म करने पर हमें वो सेम मैट्रिक्स और सेम नंबर मिले. ओके, एंड द लास्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव, जो कि बिल्कुल रियल नंबर की तरह है. जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव होता है वही कि ए इंटू बी प्लस सी, तो ए बी प्लस ए सी, एंड बी प्लस सी इंटू ए हो तो बी इंटू ए प्लस सी इंटू ए हम कर सकते हैं. तो ये सारी प्रॉपर्टीज थी मल्टीप्लीकेशन की. तो आज के वीडियो के लिए इतने टॉपिक जो हैं वो सफिशियंट थे एंड मोर देन इनफ. सो अगर मेरा फर्स्ट ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, सो देट आप कंटिन्यूशन में 12th के सारे टॉपिक जो है उनके बारे में नोटिफिकेशन मिल सके. थैंक यू वेरी मच.